देखा दोस्तों, अगर दिन में इतना जानवर है तो रात को क्या होता होगा यहाँ पर। रात में तो आम यहाँ पे रोड पे दिखता है यार जानवर, और यहाँ पे जो है डियर इधर की तरफ गए हैं यार वो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम जा रहे हैं महान की तरफ। महान यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पे कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले की एक टाइगर ने एक आदमी के ऊपर हमला किया था, और ये इसी इसी एरिया में किया था, जो हमला किया था महान में। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं महान की तरफ, और कौन कौन सी सावधानियां बरत के हमने जाना है महान की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं महान की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख भी रखा है वन्य जीव बलमूल्य क्षेत्र धीरे चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक टाइगर का हमला हुआ है, और वो जो आदमी था वो अफजलगढ़ का था, उसका नाम भूरा था। बॉडी के तौर पर सिर्फ एक हाथ मिला उसका, बाकी कुछ नहीं मिला, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको अप्रोक्स लोकेशन पे लेके चलूंगा जहाँ पे कि टाइगर ने जो है हमला किया बाइक वाले के ऊपर। मतलब वो बाइक पर जा रहा था, जो भूरा नाम था जिसका, जो यहाँ पे आया था कुछ काम से आया था शायद, वो यहाँ पे वो बाइक पर जा रहा था, और बाइक पे से मतलब कि उसको ऐसे उतार कर एकदम रौंद कर ले गया टाइगर अंदर की तरफ। और दोस्तों, यही लोकेशन है जहाँ पे जो है आदमी के ऊपर हमला हुआ। वो सिर्फ बाइक से और उतर कर टॉयलेट कर रहा था, टॉयलेट करते करते ही जो है टाइगर उसको लेके निकल गया। और यहाँ पे रुकना भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रुकने पर चालान है। तो दोस्तों, यही लोकेशन है जहाँ पे जो है एक आदमी के ऊपर हमला हुआ था, वो भूरे भूरा नाम का जो आदमी था उसके ऊपर हमला हुआ था। वो वहाँ पे जो है तभी ये अभी तो ये बाढ़ के पानी से जो है खराब हो गया, बट ये उस समय सही था बिल्कुल। और वहाँ पे रुक के वो टॉयलेट कर रहे थे, और इधर से जो है आदमखोर बाघ आया है और उसको लेके चले गया। और बॉडी के तौर पर सिर्फ एक हाथ मिला, ये बाकी कुछ नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डियर के प्रॉपर पाँव काफी ज्यादा छप रखे हैं। ये देखिए, आप खुद सोच सकते हैं, अगर डियर के इतने पाँव छपे हैं तो जानवर कितना होगा, आप अंदाजा लगाइए, एक एक अंदाजा लगाइए दोस्तों आप खुद, कि यहाँ पे कितना खतरा हो सकता है। और दूसरा हमला जो हुआ है वो यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे जाके हुआ है। मैं आपको उस लोकेशन पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे कि दूसरा हमला हुआ था, एक औरत के ऊपर हमला हुआ, बट वो बच गई औरत। मेरे ख्याल से पता नहीं बची या नहीं बची, ये तो खैर मेरी जानकारी में नहीं है, बट वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूंगा उस लोकेशन पे भी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डियर के और ये पूरे जंगली जानवरों के पाँव देखिए कैसे छप रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों वो देखिए सामने डियर, वो देखिए चले गए अभी, उनको करंट लगा मेरे ख्याल से। राहुल, दिन में इतना जानवर है, रात को क्या होता होगा। ये देखिए इधर की साइड, यहाँ से गई है ना, यहाँ से अंदर की तरफ गई है। हाँ यार, ये देखिए दोस्तों डियर है, कहाँ वो देखिए दोस्तों, हमारी तरफ ही देख रहे हैं ये। देखिए दोस्तों डियर है ना, ये 12 सिंगा, दो हैं ये, दो तीन है। वो देखो सिंग दिख रहे हैं उनके, खाली चले गए वो। ये देखिए दोस्तों जा रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं यार, कैमरे में तो उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट वो देखिए दोस्तों आपको दिख रहे होंगे वो। अब वो देखिए जाते हुए, अगर दिन में इतना जानवर है तो रात को आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा। वो देखिए डियर है यार, ये बहुत है भी, बहुत बड़े बड़े यार, ये छोटे मोटे भी नहीं है, बहुत बड़े हैं दोस्तों। ये लोकेशन पे बहुत ज्यादा खतरा है जानवर का। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखे हैं, ये देखिए लिख भी रखा है यहाँ पे, आप हाथी कॉरिडोर में हो, यहाँ पे हाथी का काफी ज्यादा खतरा है। ये देखिए यहाँ पे हमको बहुत बार जानवर दिखा है यार, बहुत बार डियर तो ऐसे घूमती है यहाँ पे, बिल्कुल पूछिए मत। उतना तो सेफ नहीं है यहाँ पे, इसलिए रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कॉर्बेट टाइगर रिवर में, और ये देखिए यहाँ पे जो है आप कुछ भी पूरे जानवर यहाँ पे प्रॉपर रख रखे हैं। और ये देखिए अंदर पर पर्सन की 50 रुपये टिकट है, और आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देखिए हाँ सब डीएल, ये देखिए दूर दूर से आ रहा है यूपी डीएल। अब पहले तो यहाँ पे हाथी भी खड़ा था, अब तो हाथी आए नहीं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे अंदर शेर भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है यार। यहाँ पे हुआ था, और आदमी का सिर्फ एक हाथ हाथ ही मिला था, बाकी कहते कुछ नहीं मिला था यार।
ये देखिए ये पुल थी आ रहे हो, ये देख यहाँ पे जो है आदमी टॉयलेट कर रहा था और यहाँ पे रुकना सख्त मना भाई, यहाँ पकड़े जाने पर चलान है, पता भी है अगर जैसे हम रुके तो किसी ने देख लिया तो पुलिस वाले आएंगे चलान करके जाएंगे। यहाँ पे रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है और यहाँ पे रुकना भी मत दोस्तों। यह है महान लोकेशन जहाँ पे वो आदमी जो है यहाँ पे टॉयलेट कर रहा था और इस लोकेशन पे जो है उसके ऊपर हमला हुआ टाइगर द्वारा, और टाइगर रहता भी ऐसे में है क्यों राहुल भाई, ऐसे में रहता ना बिल्कुल, हाँ वाह ऐसे झाड़ी झाड़ियों में रहता है वो। दोस्तों देखिए जब से हम आ रहे हैं तब से आपको बाइक पर कोई भी नहीं दिखा होगा, हम ही आ रहे हैं बाइक पर, बाकी सब कोई कार पे आ रहा है और कोई बस से आ रहा है या कोई बड़े बड़े वाहनों से आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, बट आपको बाइक पर आता हुआ कोई नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है टाइगर का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसलिए बाइक पर आने के लिए सख्त मना कर रखा वन विभाग वालों ने। बट हम तो अपना चलो आपके लिए रिस्क लेके आ गए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसी कोई ज़रूरत ना करें कि जिससे आपकी जान मान को हानि की होने की संभावना हो, तो आप ओनली ऑन कार में आइए। और ये है महान गांव, में आपको आगे महान गांव भी दिखा देता हूँ, और ये है दोस्तों महान गांव, आपको सामने गांव दिख रहा होगा ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए पोस्टर भी लग रखे हैं बड़े बड़े, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मैं ये जो आपको ये बूटी जैसी देख रही होगी इसमें मैं हाथ लगाऊंगा ना ये मुरझा जाएगी, अभी देखना ये देखो मुरझा गए उसी टाइम, ये देखो इसमें भी हाथ लगाऊंगा ये भी मुरझा गए, ये देखो मुरझा गई, ये पूरी मुरझा जाएगी जैसे जैसे मैं हाथ लगाऊंगा, ये कितना बढ़िया खिल रखा है ना, ये देखो पूरा सूख गया ना एकदम से, मुरझा गई एकदम, ये देखो कितनी सारी है पूरी सूख जाएगी ये देखो पूरी की पूरी यहाँ पे मुरझा गई है, कितनी प्यारी यहाँ लग रही है मुरझा गई। तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो लोकेशन देख रहे हैं इस लोकेशन पे टाइगर जो है आम दिखता है, ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो लोकेशन देख सकते हैं इस लोकेशन पे जो है टाइगर आम दिखता है, और ये है लोकेशन देखिए चेकआउट करिए, यहाँ पे जो है टाइगर आम दिखता है, ये देखिए ये रोड से कितनी नीचे है, ये देखिए ये रोड है और ये कितना नीचे है, और वो सामने महान जो है वो है, वो गांव जो है वो महान है, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जानवर दिन में भी दिखते हैं रात में भी दिखते हैं। अगर दोस्तों एक तरह से लोगों का जो है लॉकडाउन लग गया क्योंकि यहाँ पे जो है रात को किसी को जरूरत पड़ गई रामनगर जाना है दवाई लेने, तो वो कैसे जाएगा, उसके पास कार नहीं हुई तो वो जाएगा कैसे, ये तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। देखा जाए तो लोगों का लॉकडाउन ही लग गया यार सही में, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइगर का काफी ज्यादा खतरा है और यहाँ पे कई बार ही दिखा और कई लोगों के ऊपर हमला भी हुआ कल यार, ये यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रखी है यार, ये देखिए दोस्तों लोकेशन तो बहुत प्यारी है बट वही है ना जान मान का काफी ज्यादा खतरा है यहाँ पे। दोस्तों चलते हैं हम घर की तरफ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।